दोस्तों, जहां पर मैं और आप हम सभी BSNL 4G का इंतजार कर रहे हैं, सरकार जो है BSNL के ऊपर लाखों करोड़ रुपीस खर्चा कर रहा है BSNL 4G लॉन्च करने के लिए, जितना हो सके सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन BSNL के अंदर ही ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे ऐसे इंजीनियर्स पकड़े बैठे हैं जो कि BSNL को डाउन करते हुए नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों, कल ही लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक घटना घट गई है। BSNL का एक डिवीजन इंजीनियर वेद प्रकाश जी को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको अरेस्ट क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों, एक वीडियो कार्यालय में फाइबर कनेक्शन देने के लिए उन्होंने रिश्वत मांगा था, ठीक है? और रिश्वत कितना मांगा था? 20,000 रुपीज, ठीक है? 20,000 रुपीज रिश्वत मांगा था। लेकिन शायद वहां पर कोई ऐसा लोग होगा जो कि ऊपर तक पहचान होगा या CBI तक पहचान होगा, तो CBI वहां पे आ जाता है और रंगे हाथों वेद प्रकाश जी को पकड़ लेता है, ठीक है? और CBI के थ्रू वेद प्रकाश जी को अदालत में पेश किया गया है और CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप दर्ज कर दिया है वेद प्रकाश जी के ऊपर। ये घटना जो है मंगलवार घटी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में घटी है, ठीक है? मतलब कल ही घटी है, ठीक है? तो एक तरफ ये बहुत सही चीज है कि रंगे हाथों पकड़ लिया गया, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन विभाग है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। कुछ भी काम जो है बहुत तुरंत हो जाता है, ठीक है? योगी जी के आने के बाद ये काम जो है बहुत ही तुरंत हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज बहुत सही है। लेकिन BSNL के भीतर जो एम्प्लॉयज है, वो तो पहली बात तो BSNL के एम्प्लॉयज जो प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज है ना, उसकी तरह काम तो नहीं करते हैं ये लोग। जैसे काम करते हैं उनके तरह काम एकदम से नहीं करते, ठीक है? ये बहुत ढीले ढाले काम करते हैं, ठीक है? अपने हिसाब से काम करते हैं, छुट्टी वगैरह लेते हैं, मजे मारते रहते हैं, ठीक है? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एवरेज जो है एवरेज की ज्यादा है, मैक्सिमम एम्प्लॉयज ऐसे ही है, ठीक है? मैंने भी बहुत सारे BSNL ऑफिस घूमा है तो मैंने देखा है, ठीक है? ये एम्प्लॉयज का बहुत सारे डिमांड होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो ऑफिसर्स वगैरह है, जो इंजीनियर्स वगैरह है, जो कि ऊपर बैठे हैं, जो कि डील वगैरह साइन करते हैं, जिनके हाथ में बहुत कुछ पावर होता है, तो वो लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ये सब कुछ काम करते हैं। जहां पर हम आप सभी लगे हुए हैं, सरकार लगे हुए हैं BSNL को ग्रो करने में, वहां पर ये सारे लोग छोटे मोटे ऐसे काम कर देते हैं जिसके लिए BSNL बदनाम भी हो जाते हैं। और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि यहाँ पर ऐसा बड़े बड़े पैसे का घपला कर देते हैं जिसके लिए BSNL फिर से डाउन हो जाता है, ठीक है? तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एक बहुत ही अपडेट न्यूज है जो कि कल ही घट गया है, उसके लिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दिया जाए। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए और हर इवनिंग के 8:30 बजे मैं आप लोगों के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।